कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इसमें जो अब मैं देख पा रहा हूँ रितेश खरे जी की ओर। रितेश जी आपका स्वागत है। रितेश जी जो हैं वे इनकी कविताएं आपको बराबर अलग अलग वेबसाइट्स सोशल मीडिया आदि पर मिलेंगी। ये मूल रूप से एक ये अलग बात ये है हम सब में कि ये मूल रूप से विज्ञापन जगत में फ्रीलैंसिंग लेखन भी करते हैं, तो ये एक अलग बात है। तो अच्छा लगा सुन के। और ये रेडियो प्ले बैक इन इंडिया .com नामक वेबसाइट पर एक पॉडकास्ट मंच पर अपनी कविताएं सुनाया करते हैं, तो आज हम इनकी कविता यहाँ पर सुनेंगे। रितेश जी आपके लिए आज ये मंच पॉडकास्ट है, आइए सुनाइए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? पूरी सबसे तरह से आ रही है। पहले पूजा दीदी को धन्यवाद और माता जी के लिए सादर नमन, उनकी स्मृति में जो ये कार्यक्रम हो रहा है। भोपाल गैस त्रासदी की आज काफी 84 में जो हुआ था, आज उसका दिन है, काला दिन। मेरी मेरी स्नातक शिक्षा वहीं हुई है, मैंने ग्रेजुएशन भोपाल से किया है। उसके लिए मैं चाहता था कि कुछ लिखूं अलग से, तो सबसे पहले मैं चार पंक्तियां उसके लिए पढ़ना चाहूंगा कि क्यों होते हैं हादसे, क्यों होते हैं हादसे, होती है क्यों भूल भी, क्यों होते हैं हादसे, होती है क्यों भूल भी, ऐसी गर्दिश में घिरे हैं, ऐसी गर्दिश में घिरे हैं, हंसती है कि धूल भी, हंसती है कि धूल भी, क्यों होते हैं हादसे, होती है क्यों भूल भी। ये चार पंक्तियां मैंने इस त्रासदी की जो बरसी कहें उसके नाम मैंने लिखा। अब एक गजल सुना रहा हूं मैं, हालांकि मैंने उसे अभी भी पूरी तरह से गजल रूप में नहीं लिख पाया है, लेकिन ख्याल समझ के सुन लीजिए। दोस्तों स्वागत है। के नाम है। खामोशियां जो कुछ तो पता दें, खामोशियां जो कुछ तो पता दें, हम भी यूं चुप रह के बता दें। खामोशियां जो कुछ तो पता दें, हम भी यूं चुप रह के बता दें, घायल से होठों में ठहर कर, घायल से होठों में ठहर कर, जज्बे क्या कहें क्या छुपा दें, जज्बे क्या कहें क्या छुपा दें। तुमको क्या समझा है अब तक, तुमको क्या समझा है अब तक, लफ्जों में ये कैसे बयां दें, लफ्जों में ये कैसे बयां दें। जिंदा रहना मौत के जैसा, जिंदा रहना मौत के जैसा, खुद को अगर हम तन्हा बना दें, खुद को अगर हम तन्हा बना दें। और एक पॉजिटिव एंड पे एक शेर आता है कि यार अजीजों की रौनक से, यार अजीजों की रौनक से, जिंदगी का कमरा महका दें, जिंदगी का कमरा महका दें। खामोशियां जो कुछ तो पता दें, हम भी यूं चुप रह के बता। ये कुछ चंद ख्याल। बहुत बढ़िया, और बहुत एक सुंदर, छोटा सा जी एक बहुत छोटी सी सुंदर। चार जी धन्यवाद जी छोटी सी चार पंक्ति की कविता। ये भी थोड़ा समसामायिक है। अभी आज हमारे देश में चार राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, तो उस पे एक याद आ गई, पुरानी कविता है चार लाइन की, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम एज ए मतदाता, हमको बोला जाता है कि भाई फर्ज निभाए आओ, दे आओ, है ना, हम कर भी देते हैं, बाद में क्या होता है वो सब लोग, सब कोई जानता है, मतलब जो फिर हमारे यहाँ से तीर छूट चुका होता है। तो उस पे मैंने लिखा है कि एक कलंक है इस अमिट स्याही की तरह, एक कलंक है इस अमिट स्याही की तरह, कि चुन तो लिया है पर है रास्ता साही की तरह, चुन तो लिया है पर है रास्ता साही की तरह, हर बार चूकते नहीं निभाने को ये रस्म, हर बार चूकते नहीं निभाने को ये रस्म, ये वोट प्रजातंत्र का आशा है या है भ्रम, आशा है या है भ्रम। तो एक सवाल था ही। बहुत बढ़िया रितेश जी। जी। और मेरे ख्याल से थोड़ा समय है तो मैं एक गजल और पेश करना चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रस्थान करूँ। ये मतलब ऐसे इस तरह से है, देखिएगा। बात की उससे रास्ता ना मिला, बात की उससे रास्ता ना मिला, बेकरा हद को दायरा ना मिला,
बात की उससे रास्ता ना मिला, बेकरा हद को दायरा ना मिला। भीड़ में चेहरे कुछ थे पहचाने, भीड़ में चेहरे कुछ थे पहचाने, कोई भी दिल से आशना ना मिला, कोई भी दिल से आशना ना मिला। आशना मेरी बेटी का भी नाम है। भीड़ में चेहरे कुछ थे पहचाने, कोई भी दिल से आशना ना मिला। नुस्खे जितने थे आजमाए सब, नुस्खे जितने थे आजमाए सब, बदले डॉक्टर पर फायदा ना मिला, बदले डॉक्टर पर फायदा ना मिला। साफ थे सब, साफ थे सब वो आर पार दिखे, साफ थे सब वो आर पार दिखे, जिसमें दिखते हम आईना ना मिला, जिसमें दिखते हम आईना ना मिला। हैं जो कमियां तो हैं शिकायत भी, हैं जो कमियां तो हैं शिकायत भी, हो जहां एक ना दूसरा ना मिला, हो जहां एक ना दूसरा ना मिला। और आखिरी शेर है, सब्र क्यों आए इस झमेले में, सब्र क्यों आए इस झमेले में, कोई तुमको जब पूछता ना मिला, कोई वाह, तुमको जब पूछता ना मिला। बात की उससे रास्ता ना मिला, बेकरा हद को दायरा ना मिला, दायरा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत सुंदर सुंदर आपने जी, अपने गजल की पंक्तियां सुनाई, शेरो शायरी सुनाई। आपकी कविताएं बहुत अच्छी रितेश जी, बहुत सारी बधाई, धन्यवाद, भविष्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। शुभकामनाएं। Find the real me.